बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कर्फ डेली न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 सफ़र 12 अगस्त 2024 है। दिन का आगाज़ बहुत सी दुआओं के साथ। परवरदिगार हम सबको अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखे। जो बीमार हैं, परेशान हैं, उनके लिए कैफी मदद भेजे, उन्हें सेहत अता करे, आमीन। बात करते हैं आज की कुछ आम खबरों की। न्यूज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा, जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। न्यूज़ आपके लिए कारआमद हो तो इन्हें लाइक भी कर दिया करें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ वैसे सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि न्यूज़ अपडेट्स आप तक पर वक्त पहुँचती रहा करें। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और मिनिस्टर ऑफ ट्रेड के फील्ड कैंपेन की टीम्स ने बहुत से ऐसे ऑफिसेज को क्लोज़ किया है, सील किया है, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कुछ सऊदी खवातीन को जॉब दी है, पर जॉब करने के लिए ना तो उनसे जॉब एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए गए और ना ही सोशल इंश्योरेंस में उन्हें ऐड किया गया। मिनिस्ट्री के डिटेल के अकॉर्डिंग सऊदी कैपिटल सिटी रियाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड कैंपेन की टीम्स ने रियाद के ऐसे बहुत से ऑफिसेज पर रेड करके इन्हें सील किया है, जिनके लिए ये कंप्लेन की गई थी कि वो लोग सऊदी फीमेल्स को हायर तो करते हैं, लेकिन इस हायरिंग के लिए ना तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और ना ही सोशल इंश्योरेंस की जाती है। दोनों मिनिस्ट्रीज़ की फील्ड कैंपेन की टीम्स ने रियाद में बहुत से ऑफिसेज को स्पॉट चेक किया, इंस्पेक्शन के लिए रेड भी की, और इन ऑफिसेज को सील करने के बाद इन पर हैवी फाइन भी किए गए हैं, जो लेबर, अकामा, बॉर्डर सिक्योरिटी के लॉज की वायलेशन करने वालों को जॉब पर रखते थे, बिना अकामा ट्रांसफ़र किए वर्कर से काम लेते थे, बिजनेस कवर अप करने वाली कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनके पास वर्कर का डेटा मेंटेन नहीं था, वर्कर के फाइल में कंप्लीट या वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कुछ कंपनीज़ के पास काम का लाइसेंस ही नहीं था और कुछ कंपनीज़ के पास इनका ट्रेड लाइसेंस भी एक्सपायर था। इंस्पेक्शन टीम्स ने डिफरेंट वायलेशन को रिकॉर्ड किया है और इनमें स्मॉल मीडियम कंपनीज़ को फ़ाइन भी किया गया है, जो टैक्स इनवॉइसेस इशू नहीं करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीन से बिलिंग नहीं करते थे, वर्कर की हेल्थ और सोशल इंश्योरेंस की वायलेशन कर रहे थे। इन तमाम कंपनीज़ की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत सी कंप्लेंट्स की जा रही थी। एंटी कवर अप टीम ने वायलेटर्स यानी कंपनीज़ के ओनर्स या मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोर्ट के डिसीजन सामने आने के बाद 5 ईयर प्रिजन, 5 मिलियन रियाल फ़ाइन यानी 50 लाख रियाल फ़ाइन और जो मनी इस बिजनेस से अर्न की गई है इसे भी जब्त करने के ऑर्डर पास किए गए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड समर ब्रेक एंड हो गया है। टूरिस्ट और नेटिव कंट्री से वापस जाने वालों का क्राउड बढ़ जाने पर ऑलमोस्ट सब फेमस फ्लाइट में बुकिंग फुल हो चुकी हैं और इस वक्त एयरलाइन टिकट्स में भी 50% प्राइस इंक्रीज हुई है। अरब कंट्रीज़ हों, अरब अमीरेट हो, गल्फ हो, ट्रैवल टूरिज्म के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि न्यू एकेडमिक ईयर का स्टार्ट होने वाला है और इसकी वजह से रिटर्न फ्लाइट्स की बुकिंग के लिए हर तरफ क्राउड है। इसी वजह से टिकट प्राइस में 50% इंक्रीज़ भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त 10 सितंबर तक एशियन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट्स फुल हैं। इजिप्ट, कायरो से यूएई या सऊदी के लिए फ़्लाइट टिकट ऑलमोस्ट 3,000 रियाल या दिरहम तक सेल किया जा रहा है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए राउंड ट्रिप की टिकट 5,000 रियाल या 5,000 दिरहम तक पहुंच चुकी है। जो टिकट पहले 1,700 दिरहम या रियाल की थी वो 2,500 तक पहुंच गई है। एशियाई कंट्री से फ़्लाइट टिकट फर्स्ट टाइम 6,000 दिरहम तक पहुंचा है, वरना इससे पहले ये टिकट 3,000 रियाल तक या 3,000 दिरहम तक सेल किया जाता था। टूरिज़्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने ट्रैवलिंग से पहले प्रॉपर वे से आप अपनी प्लानिंग करें और वीकेंड पर ट्रैवल ना करें, क्योंकि वीकेंड पर क्राउड ज़्यादा होता है इसलिए टिकट प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। उन डेज़ में बिल्कुल भी आप ट्रैवल ना करें या अपने ट्रैवल को प्लान भी ना करें जब क्राउड ज़्यादा हो, वीकेंड हो या कोई समर या विंटर ब्रेक चल रहा हो। इस वक्त टिकट प्राइस बढ़ जाती है और ट्राई करें कि जब टिकट कन्फर्म करें आप अपने राउंड ट्रिप को ही कन्फर्म करें, ताकि आपको रिटर्न फ्लाइट के लिए भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सऊदी अरब के न्यू एयरलाइन रियाद एयर ने उनके वर्कर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक कोचेज़ में फ़र्स्ट टाइम एक बस को इंट्रोड्यूस कराया है, जो कार्बन फ्री होगी और सऊदी अरब के विजन 2030 के अकॉर्डिंग होगी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन कंपनी पेट्रोमैन कॉरपोरेशन और TAM यूरोप ने एक डिवीजन के साथ जिन कोचेज़ को असेंबल किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उन कोचेस का मेन मोटिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डिजिटल सॉल्यूशन को आगे फर्दर इंक्रीज़ करना है।
एक्सपेक्टेशन दी जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस और कोचेस फ्यूल की एफिशिएंसी को बेहतर बनाएंगी और रात की जो रोड्स हैं वहाँ पर इंफरादी गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को भी कम किया जा सकेगा और रियाद के एनवायरनमेंट को भी बेटर करने में हेल्प मिलेगी। रियाद के सीईओ का कहना है कि बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं जिन्हें प्रमोट किया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि जो वेदर फ्लक्चुएशन हो रही हैं इनके अगेंस्ट हम सॉलिड वे से लड़ सकें। रियाद के सीईओ का फर्दर कहना है कि इलेक्ट्रिक कोचेस में इन्वेस्टमेंट करना एयरलाइन के इन्वायरमेंटल अफेक्ट को कम करने और एविएशन इंडस्ट्री के ग्लोबल नेटवर्क एजेंडे की क़यादत करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप है। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के अकॉर्डिंग कंट्री को ईयरली 278 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड फ्री कंट्री करना है और अपने इस टारगेट के लिए सऊदी अरब कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक बनाने पर भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। सऊदी अरब के वेदर एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन शेयर करते हुए कहा है कि सऊदी अरब के बहुत से रीजन्स में इस वीक के मिड तक बारिश होगी, रेन है और कुछ जगहों पे हैवी रेन की भी प्रेडिक्शंस दी गई हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने रियाद, मदीना मुनव्वरा और नजरान रीजन में वेदर की अपडेट्स देते हुए और फ्लक्चुएशन के पेश नज़र बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और केयर करने के इंस्ट्रक्शंस पर जोर दिया है। कहा गया है कि डैम्स में और वादियों में और जो भी नशीबी मकामात हैं इनके करीब ना जाएं, वेदर अपडेट से खुद को अवेयर रखें और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाए आप उनको लाजमी फॉलो करें ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े।